नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बारात गली गली निकलती है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव यानी महादेव माना गया है। इस दिन हर तरफ चहल पहल रहती है, भक्ति अपनी मस्ती में चूर नजर आते हैं। देश के कोने कोने में भगवान शिव की आराधना होती है और महाशिवरात्रि के खास दिन में शिव का ये त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव के श्रद्धालु सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग शिव जी के इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भक्त भगवान भोले को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा भी लेकर जाते हैं। गंगा के शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीजें भांग, धतूरा और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। भक्त इस दिन शिव की उपासना करते हैं और उपवास भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना और आराधना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इसी खबर पर गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इस दौरान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला, कितने उत्साहित है श्रद्धालु? पर्व महाशिवरात्रि पे आप देख सकते हैं, हम 300 साल से ज्यादा पुराने मानसरोवर मंदिर पे खड़े हैं, जो कि गोरखपुर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ योगी भी आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। विजय दशमी की यात्रा भी यहाँ खत्म होती है उनकी। कोई भी गोरखनाथ मंदिर का महंत रहा हो, पीठाधीश्वर रहा हो, वो यहाँ पे जरूर आता है और यहीं पे अपनी विजय दशमी की यात्रा पूरी करती है और करते हैं। और आज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, और यहाँ जितना आप देख सकते हैं पूरी लंबी कतार लगी हुई है और श्रद्धालुओं की, और तमाम हर्ष और उल्लास के साथ एकदम भक्तिमय है। यहाँ पे शिव धुन है और धान धतूरा दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। इस मंदिर से जुड़ी और क्या पौराणिक मान्यताएं हैं हिमांशु जी? ये 300 साल पुराना मंदिर है, इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था, जिसमें से प्राकृतिक रूप से जमीन फाड़ करके, कहते हैं कि जमीन को फाड़ करके भूखूर करके शिवलिंग निकला था। हिमांशु जी, हर जनपद में हर जगहों पे महाशिवरात्रि मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं, मान्यता है, तो अगर ये मंदिर इतना पुराना है तो यहाँ की क्या मान्यताएं और परंपरा है? देखिए, यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु आ जाते हैं। पंडित सबसे पहले यहाँ के जो महंत है इस मंदिर में वो आते हैं, और आने के बाद इसको पूरी तरह से जलाभिषेक करते हैं, फिर दूध दही पान बेलपत्र धतूरा इत्यादि से लगाकर धूप दिखाते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जनता भी यहाँ पे पूजा अर्चना करती है और फिर अभिषेक करती है। हिमांशु जी, हम चाहेंगे आप मंदिर के बाहर खड़े हैं तो श्रद्धालुओं से बातचीत करें और उनसे महाशिवरात्रि का महत्व पूछें। अब आइए माता जी, आप यहाँ आई हैं, क्या अभिषेक करने कैसा लग रहा है और क्या मान्यता है इस मंदिर की? आइए, अन्य लोगों से भी बात करते हैं हम। कुछ अन्य लोग भी यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे जलाभिषेक करने आए हैं, शिव प्रार्थना, शिव कैसा लग रहा है, क्या मान्यता है? बहुत सुंदर मान्यता, बहुत जोन में यहाँ का वो है, सब योगी जी की कृपा है कि एकदम पूरा धामों को एकदम टकाटक बनवाती है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जितना विकास गोरखपुर का होना था योगी जी के जोन में, उसमें ही सब हो सकता है। एक समय था कि ये मंदिर थोड़ा जर्जर स्थिति में हो चुका था, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है। तो ये सीएम योगी के आने के बाद इसका जीर्णोद्धार और निर्माण क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब योगी जी के उससे जो है ये बहुत सुंदर हुआ, इसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था। देख सकते हैं कि भक्ति में लीन भक्त, जो कि अब बुजुर्ग हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबका शिवमय है, आज भक्तिमय है। हिमांशु जी, मंदिर के बाहर कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से पालन कराया जा रहा है? क्या लोगों के मुंह पर मास्क नजर आ रहे हैं?
जी मास्क यहाँ पे हर कोई मास्क नहीं लगाया है और देख सकते हैं तमाम पूरी भीड़ दिखाइए, कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखा दे कि काफी दूर तक आप देखिए जितनी भी लाइन लगी हुई है भीड़ है, लेकिन मास्क इसका लगाने का बहुत कम, एक दो लोगों ने ही मास्क यहाँ लगाया होगा, कोरोना कोविड नियम का कोई भी पालन नहीं है। हिमांशु जी, जो भी श्रद्धालु पंक्ति में खड़े हैं वो शिव भगवान शिव को अर्पित करने के लिए अपने साथ क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे अर्पित किया जा रहा है, नंदी महाराज जी हैं, देखिए ये मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं नंदी महाराज है, इनके पूरी तरह से दूध भांग पूरा और पत्ती दिखा रहे हैं लोग, इसी के साथ मंदिर का दृश्य दिखा है, तो मंदिर में तो पूरी तरह से भीड़ है, प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है लोग चर्चा के लिए। लोगों की आस्था इस पर्व से कितनी जुड़ी हुई है हिमांशु जी? देखिए आस्था शिव से है और शिव को कहते हैं कि सत्य है और इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से लोग भक्ति में होते हैं, शिवरात्रि के आते ही हर मंदिर हर शिवालय में शिव भजन का ही धुन चलता है। हिमांशु जी, हम चाहेंगे कि आप पंक्ति में जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछे कि आखिर महाशिवरात्रि मनाया क्यों जाता है। जी बिल्कुल, आप सकते हैं हम पूछते, आप यहाँ शिव पूजा के लिए आई हैं, ये बताएं कि शिव पूजा जो शिवरात्रि का है क्यों मनाया जाता है? मानता क्या है, मानता के विषय में कुछ जानकारी जानते हैं, आस्था है, आस्था लोगों की जीव में है, हमारा देश आस्थाओं का देश है, अन्य लोगों से जानना चाहते हैं हम, कोशिश करते हैं। आप यहाँ पृथ्वी पूजन करने आए हैं शिवालय में, शिवालय में तो क्या मान्यता है शिवरात्रि की? कहाँ की क्या मान्यता है? आप यहाँ की मान्यता बहुत पहले ही हम आपको बताए थे कि निकले हुए हैं, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से निकला हुआ है, जिससे लोगों की मान्यता यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। अन्य कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ काफी भीड़ है, तमाम आइए कुछ उनसे बात करते हैं, क्या शिव मानता है, क्या मानता है, आपकी पूजा करने आइए। शिवरात्रि का त्यौहार है, आप पूजा अर्चना करने आई हैं, तो क्या मान्यता है शिवरात्रि की? शिवरात्रि पर्व के विषय में कुछ जानकारी दें, क्यों मनाते हैं? तो क्या क्या आपने लाया है, क्या किस किन सामग्रियों से आप पूजा, किन सामग्रियों के साथ आप पूजा करेंगे? महिलाओं की मान्यता है कि सुहाग बनी रहे, परिवार में यह सुखी रहे, अच्छा रहे, मानता कहीं है क्यों में आज लोग आस्था भाव से जुड़े हुए। धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ हिमांशु। तो आज महादेव का महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि है, इस दिन जो भक्त हैं वो भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, उनके फूल चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामनाएं करते हैं। अभी आपने गोरखपुर के मंदिर को देखा, ये मंदिर 300 साल पुराना बताया जा रहा है, जहां भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली।
वहीं महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुनिया के कोने कोने में महादेव की आराधना होती है। इस दिन भोले बाबा को खुश करने के लिए जो भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचते हैं। गंगा के शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है, दूध से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। वही अगर बात हम महाशिवरात्रि की करें तो महाशिवरात्रि के दिन बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन का महाकाल मंदिर भक्तों से भरा रहता है। भक्तों की यहां लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। दूर दूर से भक्त बनारस और उज्जैन पहुंचते हैं महादेव का दर्शन करने, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो भी भक्त है वो अपनी पसंद की भगवान भोले की पसंद की चीजें भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सारे भी चढ़ाए जाते हैं। और आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और साथ ही पूजा अर्चना भी की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस दौरान सीएम योगी भी मंदिर में मौजूद रहे। जितने भी कांवड़ है वो लगातार मंदिर कांवड़ यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। इस दिन जो भी भक्तगण हैं वो भगवान शिव की उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव जी का पंचामृत से अभिषेक भी कराया जाता है, चंदन का तिलक लगाकर, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान ये सारी चीजें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें अर्पित की जाती हैं। इस दौरान हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़ रहे हैं। तो ओम शंकर जी, मंदिर के बाहर जो भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं उनमें क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं भगवान भोले के पर्व को लेके? ओम शंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दूर दूर से क्षेत्रों से करीब 100 किलोमीटर दूर से लंबे पांव वाला आते हैं और भगवान शिव को बेल पत्र, गंगा जल और दूध अर्पित करके कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना को पूरा करने का आशीर्वाद लेते हैं। ओम शंकर जी, सभी देश में, प्रदेश में अलग अलग मान्यताएं हैं महाशिवरात्रि को मनाने की, तो रायबरेली से ऐसे जुड़ी कोई मान्यता हमको बताइए जो लोग अक्सर फॉलो करते हैं। ये कम से कम देश में वो शिवाला मंदिर है, यहाँ पर हमारे पीछे मंदिर दिख नहीं रहा है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी है यहाँ पर लोगों की, महिलाएं हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, सब जो है वो भगवान भोलेनाथ को जो है गंगा जल, दूध और बेल को अर्पित करते हैं। इस मंदिर में ये भी एक मान्यता है जो लगातार जो है वो 40 दिन तक जो है बेल को और दूध अर्पित करता है भगवान भोलेनाथ, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ओम शंकर जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी जनता को एक बार मंदिर दिखाएं। मंदिर दिखाए यहाँ पर, हमारे ठीक पीछे ये मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो भक्तों का पूरा तांता लगा है और यहाँ पर जो है ये लाइन लगी है, महिलाएं जो है वो गंगा जल, फूल, फल और बेलपत्र लेके भगवान शिव को चढ़ाने के लिए मंदिर में जा रही है। ओम शंकर जी, हम चाहेंगे कि आप मंदिर के बाहर जो भी भक्तगण है, जो भी श्रद्धालु हैं, उनसे जाने कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज उनको भेंट चढ़ाने के लिए क्या कुछ लाई हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक भक्त है भगवान शंकर के जो बगल में ही खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है आज आपने कौन कौन सी पूजा की, तो क्या नाम है? जी गौरव कुमार। गौरव जी, आपने पूजा अर्चना कर ली है? जी जी बिल्कुल कर ली है। और सबसे पहले अपने दर्शकों को बोलूंगा कि शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, ईश्वर सब पर कृपा बरसाए रहे, जय भोलेनाथ जी। तो ये फिर गौरव जी हमारे साथ जो है इन्होंने जो है भगवान शिव की पूजा कर ली है और सबको जो है कहीं ना कहीं कल्याण हो इसी मनोकामना के साथ। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अर्पित किया है भगवान को? भोलेनाथ जैसे यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से जो है जिला प्रशासन में कैद है और जो है कमेटी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे
यहाँ पर की ये व्यवस्थापक है और इन्होंने अब की बात जो है इस मंदिर के प्रांगण में इतनी व्यवस्था की है कि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो पा रही है। तो क्या नाम है? आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की, अच्छी बात क्या नया है मंदिर में? भैया जैसे आप देख रहे हैं बाबा का दरबार जो है इसकी भव्यता की सजावट जो है वो महाराष्ट्र से आए हुए कारीगरों द्वारा करी गई है और हर बार उनका प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ अलग तरह की प्रस्तुति बनी जाए। बस इतना उत्साहित रहता है कि वो जब आता है तो बाबा की सजावट देख के और उत्तेजना में खुश हो जाता है और बाबा की तो कहीं ना कहीं भक्त जो है वो पूरी जो है उत्साह से जो है यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे हैं और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओम शंकर जी, महादेव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, तो क्या अभी तक कोई आपको कांवड़िए ऐसे दिखे जो मंदिर पहुँच के भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो? नहीं, अभी कांवड़िया यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये कांवड़िया जो है वो 10 बजे के बाद से ही आना शुरू हो जाएंगे। ओम शंकर जी, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है, तो क्या मंदिर के बाहर जो भी श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पे मास्क दिख रहे हैं या मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू खत्म होने के बाद से जो है लोगों में भीड़ मिल गई है और उसी के तहत आज जो है भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी कोविड गाइडलाइन मास्क अलाउ है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं राज्य में जनपद में कोरोना का कोई मरीज अब नहीं बचा है, इसलिए लोग और ज्यादा उत्साहित होकर जो है वो पूजा कर रहे हैं। ओम शंकर जी, हम चाहेंगे कि आप वहाँ जो भी और मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे पूछें कि आखिर महाशिवरात्रि की मान्यताएं क्या है, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? इस मंदिर की क्या मान्यता है इसके बारे में बताइए। जैसे आप सभी जानते हैं जगमोनेश्वर महादेव मंदिर चंदापुर रायबरेली, इस मंदिर की स्थापना श्री राजा जगमोहन सिंह द्वारा करी गई थी। मंदिर है और वैसे तो उत्तर प्रदेश में सभी मंदिर जो है वो वैदिक पद्धति से स्थापना हुई है, लेकिन जो जगमोनेश्वर महादेव मंदिर जो चंदापुर को मिलते हैं मंदिर है और ये स्वयं भू शिवलिंग निकला था, लेकिन इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर की रायबरेली जनपद के साथ साथ ही गैर जनपदों में भी बहुत मान्यता है। ओम शंकर जी, हम चाहेंगे कि जो मंदिर में इस टाइम महिलाएं मौजूद है आप उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी महाशिवरात्रि की मान्यताओं के बारे में जानकारी ले। हाँ, तो श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, हम उनसे भी कोशिश करते हैं कि इनसे भी बात हो जाए। कब कितने बजे से आप लाइन में खड़े हैं? तो लाइन की व्यवस्था जो है जगमोनेश्वर महादेव का मंदिर है, 11 बजे है। ये दर्शन की फोटो लोग अपने देश में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी रोज कई भक्त है जो देखे हैं। ये बड़ा ही आठ बजे तक 7,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। ओम शंकर जी, मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लंबी लंबी दूर तक लाइनें लगी हुई है, उसके बावजूद भी लोग भगवान शिव की एक झलक पाना चाहते हैं, एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। जी, अब ये है कि कहीं ना कहीं जो है भक्तों का एक उत्साह है जो पूरी तरह से भगवान शिव के दर्शन करे बगैर नहीं जाएंगे, और ये लंबी लाइनें जो आपको दिख रही हैं ये इस मंदिर की एक महत्ता है कि सुबह 4 बजे से ही खुल जाता है और देर शाम तक आज यहाँ पर भंडारा है, कन्या विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है। ओम शंकर जी, इस दौरान मंदिर में छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद है, तो आप उनसे बातचीत करिए, उनसे ये जानिए कि महाशिवरात्रि को लेकर वो क्या कुछ भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लाई हैं, वो कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। तो छोटी एक छोटी बच्ची आई है हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं इससे जानने की कि एक बेटा क्या नाम है आपका? ठीक है जी, आज आप कहाँ पे आई हैं?
चंद्रापुर कोठी आई है भगवान के दर्शन करने। ये एक बच्ची भी थी हमारे साथ जो कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आई है। धन्यवाद ओम शंकर जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, वो लगातार भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। इस दौरान वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद की चीजें भांग धतूरा लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, दूध से रुद्राभिषेक किया जा रहा है, गंगाजल से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस दौरान कई भक्त ऐसे भी हैं जो उपवास के बावजूद लगातार लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। ये ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वही इस दौरान कांवड़ यात्रा लेकर भी जो भी कांवड़िए हैं वो मंदिर पहुंचते हैं, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते हैं, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। महा शिवरात्रि के खास दिन बेहद धूमधाम से शिवजी का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मंदिरों पर लोगों की भीड़ जुटी रहती है, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोग लगातार कतारों में जुड़ रहे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फतेहपुर से हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़ रहे हैं। तो अमरदीप जी, महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आपने जो सवाल किया है कि महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए लोगों में कितना उत्साह है, तो मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर जनपद में जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो भक्तों का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो वो एक काबिले तारीफ है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने जो है मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी भगवान भक्त को आज तो भोलेनाथ भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरीके से लाइन पे लगे हुए हैं। और लाइन में लगने के साथ अगर हम बात करें कि प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या है, तो प्रशासन ने भी जो है कई जगह अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से मजबूत कर रखा है। लाइन से ही दर्शन करें और बाहर निकलें। जी मुस्कान जी, अमरदीप जी आप इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद हैं, तो आप लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावे में क्या कुछ लेकर आए हैं। जी मैं, हमारे साथ एक भक्त जुड़े हुए हैं और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि हम भक्त से भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुक्ला है। शुक्ला जी ये बताए कि आप भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी चीजें लाए हैं? हमारे यहाँ जो उपलब्ध उपाय हैं वो सामान लाए हैं, जैसे जौ की बाली है, धतूरा है, बतासे हैं प्रसाद के लिए, शेर है, गन्ने हैं, बेल पत्ती है और समीर पत्ती है, आदि सभी लोग गन्ने का रस। तो एक चीज आप बताएं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आखिरकार ये बताएं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान शंकर का आज जन्मोत्सव मनाया जाता है और भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसलिए भगवान शंकर ऐसे हैं, उनसे कम उत्साह में ज्यादा भक्ति प्रदान करते हैं, उनके बराबर कोई भक्त आशीर्वाद देने वाला नहीं, सबसे अच्छा आशीर्वाद इनके पास प्राप्त होता है। अब हम दूसरे भक्त से बात करते हैं, आपका नाम क्या है? द्विवेदी। द्विवेदी जी कहाँ से आए हुए हैं आप? ग्राम से मिली से आए हैं। अच्छा, तो उसे दर्शन करने आए थे, यहाँ पे हमें ऐसा लगा तो आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो उनकी रात यात्रा निकाली गई थी उसी को देखते हुए ये महापर्व मनाया जाता है महाशिवरात्रि का। इसलिए हर भक्त दूर दूर से भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, गंगा जल इत्यादि सामग्री लेके जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हम भी बड़े दूर से दर्शन करने आए थे यहाँ खजुआ पे, नाथजी मंदिर बहुत अच्छा है, इसीलिए दर्शन करने आए थे। तो आपने देखा कि हमारे साथ दो भक्त जुड़े और उन्होंने शिव की महत्व के बारे में बताया।
जी नमस्कार। अमरदीप जी, हम चाहेंगे कि जो जनता इस वक्त मंदिर पहुंचने में असमर्थ है, जो बुजुर्ग मंदिर पहुंचने में असमर्थ है, उनके लिए आप एक बार मंदिर को हमारी जनता को जरूर से दिखा दें। जी मैं मंदिर में, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा एक बार फिर सवाल को रिपीट करें आप। अमरदीप जी मैं चाहूंगी कि जो भी जनता जो मंदिर जाने में इस वक्त असमर्थ है, जो बुजुर्ग है वो असमर्थ है इस वक्त मंदिर जाने में, तो आप एक बार हमारी टीवी स्क्रीन पर मंदिर को दिखा दें। मंदिर को टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। अमरदीप जी, अगर बात फतेहपुर की जाए तो ऐसी मान्यता है फतेहपुर में कि 45 साल से यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, ये बात सवाल बहुत अच्छा है मुस्कान जी। मैं आपको बताऊं कि जिस 45 वर्ष से जो रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है वो हमारे यहाँ से लगभग जो है 12 से 14 किलोमीटर दूर है, मुसाफा गाँव है, विकासखंड दुबई का मुसाफा गाँव है, जहाँ पर बूढ़े सर नाम का एक मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर की मान्यता यह है कि जो भी उस भगवान भोले शिव की जो पूजा करता है, अर्चना करता है, जो मन्नत मानी जाती है, उसकी जो है उस भक्त की मन्नत पूरी तरीके से पूर्ण होती है। तो ये वहाँ का महत्व है, और वहाँ के भी हमने चित्र भेजे हुए हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ जो है भगवान शिव को जलाभिषेक करके जो है अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए जो है मन्नत भी और भी मन्नतें मांग रहे हैं। जी मुस्कान। अमरदीप जी, ये यज्ञ कितने दिन तक चलता है और इस यज्ञ के दौरान और क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन होता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने जो सवाल किया उस पर, ये जो यज्ञ है रुद्र महायज्ञ है, ये 7 दिन चलता है। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि जितने भी जहाँ भी यज्ञ होते हैं उसमें जो है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो है ये माचिस और किसी अग्नि यंत्र का सहारा न लेकर के एक जो है घर्षण से ये अग्नि पैदा की जाती है, और उस अग्नि को लगातार 7 दिन तक जो यज्ञ करने के लिए उस अग्नि का प्रयोग किया जाता है। और रही बात ये कि तो दूसरे कार्यक्रम क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस रुद्र महायज्ञ में रात को रास लीला होती है, जो वृंदावन से आकर के जो कलाकार अपनी लीला का प्रचलन दिखाते हैं उससे जो है वो जनता भी खुश रहती है। और रुद्र महायज्ञ में बनारस से आए हुए प्रकांड विद्वानों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, तो जरूर कहीं ना कहीं भारतवर्ष को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भारतवर्ष के विद्वानों द्वारा इसका जो है एक प्रचलन है और लोगों की मान्यताएं पूरी होती है। जी अमरदीप जी, लगातार इस यज्ञ में 45 वर्षों से बनारस के ही पुजारी आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण ये है कि बनारस, और बनारस एक ऐसा शब्द है कि जहाँ पर प्रकांड विद्वानों की पूरी तरीके से भरमार है, और उसी भरमार के बीच में ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान पड़े हैं जिनको पूरी तरीके से, वैसे ज्ञान तो अधूरा है, ज्ञान लेने की कोई जो है वो आयु सीमा नहीं होती, पर वहाँ के प्रकांड विद्वानों द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता है उनमें उन मंत्रों की कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण में कोई भी मंत्र का गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, तो वहाँ बनारस के पंडितों द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता है वो पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक होता है। जी अमरदीप जी, इस दौरान आप मंदिर के बाहर खड़े हैं, तो मंदिर में जो भी महिलाएं मौजूद है आप उनसे बातचीत करके जानिए कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। ये हमारे साथ एक भक्त और जुड़ चुके हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार सक्सेना। अरविंद जी, ये बताए कि शिव रात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? भगवान शिव की आज के दिन का विवाह पूर्ण हुआ था, उसकी स्तुति पे भक्तगणों ने ये रात्रि का महोत्सव का उत्सव किया था, इसीलिए उनको शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और उसका महत्व, उसका महत्व ये कि आज के दिन भगवान शिव का जो विवाह हुआ था उसके दिन जो भी भक्त भगवान के शिवलिंग के पास जाकर उनको दूध और जल अर्पित करता है, तो भगवान वैसे भी भगवान कंठों को तो सभी लोग जानते हैं कि औधर रानी से किसी प्रकार से तुरंत भी आदमी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, तो भक्तों को बहुत जल्दी उनके लक्ष्य उनको उनकी मंजिल प्राप्त हो जाती है, जो उनकी मनोकामना रहती है पूर्ण हो जाती। मुस्कान जी, आपने देखा कि हमारे साथ भक्तगण जुड़े और भक्तगण जुड़ने के साथ में उन्होंने शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि का क्या महत्व, तो अगर हम आपसे बात करें मुस्कान जी, तो देखिये शिव एक शांति का प्रतीक, और हमारे हिंदू धर्म में जो 18 पुराण है उन 18 पुराणों में
शिव की महिमा का पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। जी धन्यवाद अमरदीप जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि फतेहपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, उन्हें उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इस दौरान देश के कोने कोने में भगवान शिव की आराधना होती है। अगर बात बनारस की जाए काशी विश्वनाथ में, तो यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी बनारस पहुंच के बाबा का आशीर्वाद लेता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से कोई इस मंदिर में पहुंचता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।